हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको एक बहुत ही यमी सी नींबू की चाय बनाने बता रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ हमारे हेल्पर हैं सोनिया, उनसे सीखा है। एयरबीएनबी में हम रुके हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया है। ये देखिए, हमारी कुछ ये बेजिल जो अपने मरवा कहते हैं उसकी पत्तियाँ हैं, कुछ पुदीने की पत्तियाँ हैं, ये पेपरमेंट की लीव्स हैं, लेमन ग्रास है 2-3 पीस, 2 लेमन हमने लिए हैं, ब्लैक पेपर पाउडर है, थोड़ा 1/4 टीस्पून के करीब नमक है। हम 4 कप बनाने वाले हैं। ये ली है हमने शुगर, चीनी, और गैस पे हमने चढ़ा दिया है 4 कप पानी। 4 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि बॉयल होगा। तो सबसे पहले ना हम इनको सबको कूट लेंगे, जो भी आपकी पत्ते हैं ना इसके अंदर डाल के कूटेंगे। तो क्वांटिटी क्या है, कौन से लीव्स हैं, मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने पीकर देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। सभी पत्तों को अच्छे से धोने के बाद हम उनको इस तरह से कूट लेंगे और ये पत्ते कूटे हुए हम इसके अंदर डाल देंगे। इनकी खुशबू ना इतनी अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी। और इसको बॉईल होने देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और शुगर जो है, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने गुड़ की बोला था, लेकिन इन्होंने बोला कि पहले हम चीनी की आपको बना के पिलाते हैं। मैंने जो पिलाई थी वो चीनी की थी, तो आप बाद में अपना फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें चीनी, जैसे ये बनाते हैं वैसे ही मैं बता रही हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 2-3 पिंच बस हमने काली मिर्ची ली है। और जब ये कलर ग्रीनिश होना शुरू हो जाएगा ना बॉईल होते हुए, तब तक हम इसको उबालेंगे। हमने नींबू निचोड़ लिया था इस पैन में, और इसमें अब हम ये उबली हुई जो चाय हम कह रहे हैं, ये पत्ते उबले हुए सब इसमें डाल रहे हैं। एक बार और छान लेंगे क्योंकि इसमें नींबू के सीड्स भी हैं, आप देख रहे हैं। और ये देखिए, हमारी ये लेमन टी बनकर तैयार है।